इंदौर में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर घटना सामने आई जहां पर भवरकुआ के एप्पल हॉस्पिटल के पास आग लग गई और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि भवरकुआ थाना क्षेत्र के एप्पल हॉस्पिटल के पीछे की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एप्पल हॉस्पिटल के पीछे एक टायर गोडाउन में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण लाखों रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। फिलहाल घटना की जानकारी लगने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग किन कारणों से लगी है इसकी जांच भी की जा रही है। वहीं जिस एप्पल के हॉस्पिटल के पीछे टायर के गोडाउन में आग लगी थी उस वक्त एप्पल हॉस्पिटल में आग लगने के कारण धुआं फैल गया था। इसके बाद एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल के पांचवी और छठी मंजिल पर भर्ती मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया है। इन मरीजों में कई मरीज आईसीयू में भर्ती थे। फिलहाल एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हॉस्पिटल में धुआं घुस जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल इस दौरान बन गया था। फिलहाल पुलिस अब आगे जांच कर रही है। अचानक आग लगने के कारण हॉस्पिटल के पिछले वाले हिस्से में बहुत काला काला धुआं आने लगा, जिसमें पेशेंट के साथ में अंदर जो है अफरा तफरी मच गई है। हॉस्पिटल को पूरा नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। अब धीरे धीरे आग डूबने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे वापस आगे में शिफ्ट किया जा रहा है। कितने मरीजों को नीचे लाया गया? करीब करीब 60-70% मरीज नीचे आ चुके हैं। ये बताएंगे कि ये जो आग लगी उसके बाद मरीजों की सुरक्षा, परिजनों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए थे यहाँ पर? कोई इंतजाम नहीं है। इंजन की टंकियाँ भी पूरी बाहर रखी हुई है, 5-6 टंकियाँ रखी हुई थी गैस की जी, वो भी पूरी बाहर रखी हुई है। उसमें पूरा मतलब पेंटिंग तरफ पूरी आगे जा रही थी, अगर कुछ होता तो वो टंकियाँ आराम से फूट सकती थी। नहीं, क्या ऊपर समस्या है, कितना धुआं भरा गया था? बहुत ज्यादा आया, 3-4 तो कांचे फूट चुके हैं वहाँ पे आईसीयू के, और उसके ऊपर के कांचे फूट चुके हैं। और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, ऊपर की कोई मतलब पानी डाल सके या कुछ भी, धुआं ही धुआं पूरा मतलब मरीजों के रूम तक, आईसीयू में भी धुआं धुआं पूरा धुआं धुआं हो गया था। उसमें टोटल 6 मरीज थे, जिसमें से एप्पल हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, ना इनके वहाँ पर ऊपर पानी अवेलेबल हो पाया, ना इनके वहाँ पर पानी उपलब्ध हो पाया, ना कुछ हो पाया, ना इनकी तरफ से कोई लोग आया वहाँ पर मरीज कोई अपना। कितने लोगों को नीचे लाया गया? 6-7 मरीज। यहाँ पे कोई फायर की व्यवस्था? कुछ भी नहीं था हॉस्पिटल के हिसाब से, कुछ भी नहीं। आप कहाँ से लेके आए मरीज को? ऊपर मंजिल। कहाँ से आए आप? इंदौर से। ठीक, आपका नाम? ऋतिक अरोड़ा। चरण टायर की दुकान में आग लग गई थी जी, इसमें से काफी धुआं निकल रहा था जी, उसकी हीट की वजह से अस्पताल के कुछ कांच टूट गए और थोड़ा धुआं अंदर घुसा आया था जी। पर हमने तुरंत ही एहतियात बरतते हुए सारे पेशेंट्स को नीचे शिफ्ट कर लिया है ग्राउंड फ्लोर पर हमारे रिकवरी में, और सब बच्चे और पेशेंट सब बिल्कुल सुरक्षित है, किसी को कोई हानि नहीं। सर अभी ये बहुजुआ क्षेत्र में है, ये ताजपुर नगर के अंदर, और जो एप्पल हॉस्पिटल है एप्पल हॉस्पिटल के जस्ट लगा हुआ है, एक गोडाउन टाइप के स्क्रैप वगैरह टायर पुराने वगैरह, और ये गाड़ियों की भारी फेब्रिकेशन वगैरह होता है उसके अंदर आग लगी थी। जो हम लोग जब पहुँचे तो पूरा लपटें ले रही थी, और तो बिल्कुल हॉस्पिटल लगा हुआ है, तो हमको हॉस्पिटल की चिंता ज़्यादा हो गई थी कि हॉस्पिटल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण था। तत्काल हमने चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी करके पूरा चारों तरफ कवर करा उसको, हॉस्पिटल पे भी अंदर हम लोग गए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर लोगों से भी बात करी। कितनी टैंकर बुलाए गए और कितनी गाड़ियां लगी? कम से कम हमारी 6 गाड़ी होगी फायर की, और टैंकर भी नगर निगम के काफ़ी कंटिन्यूस चालू हो गए हैं, और शुरू शुरू में पानी की कितनी गिरी आई थी और कंट्रोल कर लिया है, और पूरे हॉस्पिटल में जो मरीज थे जैसे 50 के समथिंग होंगे, उनको डॉक्टर पूरे हिसाब से मेरी चर्चा भी हुई थी, उन्होंने बोला कि हमने साहब पूरा बताया। फायर वालों ने कुछ मरीजों को भी उतार के लेके आए थे नीचे? कुछ लोगों ने, हमारे जवान ने मरीजों को भी दबाया और साफ सफाई करके, और दूसरे हॉस्पिटल में आसपास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। और को चौराहे पर एप्पल अस्पताल, उसके पीछे संभवतः ये टायर का गोडाउन है जहाँ पर आग लगने की सूचना मिली थी। तो सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस प्रशासन और जो है फायर ब्रिगेड नगर निगम कमला मौके पर रवाना हुआ, और तकरीबन 2 घंटे इस आग को काबू पाने में लगे, और अभी भी जो है वो फायर फाइटर्स जो है लगातार पानी डाल रहे हैं। सर हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है, कैसे क्या मरीजों को? हॉस्पिटल क्योंकि आग जो गोडाउन की जो लोकेशन है अस्पताल के पीछे बाद पीछे की तरफ थी, तो हॉस्पिटल में जो नज़दीक से आग की तरफ जो मरीज थे उन सभी को एक्टिवेट किया गया और जो है दूसरी में शिफ्ट किया गया।